आप क्या समझ रहे हैं, हमारे को चुड़िया पहन के समझ रहे हैं? हम एक इज्जत के दायरे में, हम हमारी असलियत पे आए ना, आप भागते यहाँ से। अरे क्या एसीपी साहब, आपको फोन करके नहीं बोले हम? नहीं नहीं साहब, एक बात बोलो, उन लोगों के साथ क्या कर रहे बोलो? नहीं नहीं, एक ही चीज है साहब, आप गुरकुल कैसा बोलते हैं हमारे को? अरे नहीं बोलते वैसा, कैसा बोलते? अरे क्या बच्चे छत पर आके बोलते हैं? इतने जने बोल रहे हैं इलीगल गैस भरते हैं वहाँ पे, आप लोग एक्शन ले लेते। उन लोग सुनो, आप मैं बोलता हूँ आपको, इससे पहले ही बोला, श्रीनिवास साहब की ब्लेसिंग है उन लोगों के ऊपर, ब्लेसिंग है उनकी, उन्हें करप्ट ऑफिसर है, मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे आप तुर्कुलू बोलना हमारे को, आप तुर्कुलू लंजागुड़ू को बोले तो हम सुन लेना, तो हम सुन लेना, लंजागुड़ू को बोले तो सुन लेना। आज सैयद नगर में शाम में एक अननेसेसरी एक झगड़ा हुआ, और झगड़े का मेन ये था कि एक माँ 10 से 12 जने मिलकर जो मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं वो मुसल्लियों को गैर जरूरी में मारे। इंक्वायरी करने पे पता चला कि दोपहर में उनका किसी से झगड़ा हुआ था, उसका रिवेंज लेने के लिए है, जबकि वो लोग नहीं मिले तो पलट के दूसरे आम जनता को मारना पब्लिक को शुरू करें। उसके लिए यहाँ पर आज जितने भी सैयद नगर के लोग, अहमदनगर के लोग, बंजारा पुलिस स्टेशन को आए, फार्मर मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने आकर एसीपी सर्कल सबसे बातचीत किया, उसके बाद मैं खुद भी आया। हमारा मेन मकसद यह है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं है, मगर जो गलती करा उसको सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा एक्यूज है जिसका नाम अख्तर है, जो बार बार गलतियां कर रहा और बार बार एक दहशत फैला रहा है, तो मैं खास तौर से एसीपी साहब से ये रिक्वेस्ट किया हूँ, इसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाए और दोबारा, ताकि कोई ऐसा हालात ना पैदा हो, और जो जो लोग को मार पड़ा इंशाल्लाह ताला उन लोग का कंप्लेंट लेने के बाद केस बुक किया जाएगा, और जो भी कसूरवार है उसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। मैं तमाम जितने लोग यहाँ पर आए हैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज ईद के दिन हर आदमी अपने घर पे मेहमान आता है, बहनें आते हैं, कुछ लोग अपने ससुराल में मिलने जाते हैं, मगर आप लोग जो एक यूनिटी का सबूत दिया है, सैयद नगर में अगर कोई छोटा मोटा भी हादसा होता है तो जो गलती करता है उसको सज़ा दिलाने के लिए आप लोग पूरे जमा होते हैं, मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको मीडिया के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ
कि इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी नरमी रहेंगी तो इंशाअल्लाह नखीबे मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी बात हुई है, सदर मजलिस इस ताल्लुक से इमीडिएट एक्शन लेंगे और कमिश्नर से भी बात करेंगे। मैं खुद भी इंशाअल्लाह DCP कमिश्नर से सबसे बात करके एक्शन लिया जाएगा। तो मैं फिर आप लोग को यह कहता हूँ कि जाइए अपनी ईद सुकून से मनाइए, इंशाअल्लाह बाकी काम आप हमारे पे छोड़ दीजिए, हम लोग देख लेंगे। बहुत शुक्रिया।